वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारा एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो में आपके लिए एकदम खास तरीके से लेके आया हूँ। दोस्तों जो आज है ना, मैं YouTube पे कई दिनों से सर्वे कर रहा था, कई सारी वेबसाइट पे, गूगल पे, क्रोम पे, हर जगह जाके मैंने दोस्तों ये सर्च किया कि जो मैं आज टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा देखने को समस्या आ रही है, पर अब से ये समस्या नहीं होगी। दोस्तों आज जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे जाने वाला है, आज ये वीडियो जाने वाला है दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, माना कि जिससे आप, हालांकि दोस्तों आप सीधी सीधी भाषा में जानते हो, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूल जाना। दोस्तों ये सांस फूल जाने की तकलीफ आज 25 के बाद ही, 25 उम्र के बाद ही कई तरह के लोगों में देखने को मिल जाती है। पर आज ये भाई आपका इसी तरह के वीडियो पे लेके आया है, टॉपिक बहुत ही ज़रा खास और डीपली में जाने वाला है। एक वीक के अंदर दोस्तों, कितने बस एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अंदर दोस्तों आपके सांस लेने की तकलीफ से निजात पाना हो तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों आज ये किसी तरह की सांस फूलने में तकलीफ हो जाना कोई ज़्यादा नॉर्मल सी बात हो गई आज के यूथ को लेकर, इसी तरह के वीडियो पे मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सक्सेना और आप देख रहे हैं बातें अनसुनी सी। दोस्तों अगर आप इस भाई के चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो को जो एंड में रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको, उसे प्रेस करना है और आपको बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो डालें दोस्तों आपको वो वीडियो एंड तक मिस ना हो कभी भी। दोस्तों आज हम जानते हैं आपकी सांस क्यों फूल जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए, एलोपैथी में इसी तरह की सांस फूलने के लिए किसी भी तरह की दवाई नहीं होती है, एलोपैथी में किसी भी तरह की दवाई नहीं होती, जिससे दोस्तों बचा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के ट्रिक के ऊपर ही दोस्तों मैं आपके लिए बस दो ड्रिंक ऐसी लेके आया हूँ, जिससे आपको एंड में मैं बताऊँगा 100% दोस्तों एक वीक के अंदर, बस एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको सांस लेने की समस्या से निजात मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आपको सांस लेने की समस्या से निजात मिल ही जाएगा। और सांस लेने में तकलीफ क्यों हो जाती है दोस्तों, अगर आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में, आपके हृदय में ऑक्सीजन की मात्रा उचित प्रभाव से नहीं पहुंच पाती तो आपका दिल क्या जोरों से धड़कने लगता है, तो वो दिल धड़कने की वजह से दोस्तों आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी तो सांस फूलने के कारण दोस्तों आपके गहरी सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है, छाती में जकड़न सी महसूस होती है, मांसपेशियों में खिंचाव सा होता है, कफ जम जाना, बार बार खांसी आना, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ पर अब दोस्तों इस तरह से किसी भी तरह से लक्षण से हर जगह से मुक्ति पाना हो तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करना, आपको एक वीक के अंदर अंदर इसका निजात मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको जो ऑक्सीजन जो होता है आपको प्रयुक्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए आपको केमिस्ट्री रूप से आपको ना दवाई भी मिल जाती है ऑक्सीजन की। और दोस्तों आप सबसे अच्छा ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मतलब जैसे कि कपालभाति, इट्स ए मोस्ट 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 ब्यूटीफुल एक्सरसाइज फॉर ए शॉर्टनेस ब्रीदिंग। दोस्तों अगर आप है ना कपालभाति करते हो, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो आप है ना 100% है इस तरह की सांस फूलने की समस्या से निजात पा सकते हो। दोस्तों आप सबसे अच्छा, अगर आपके है ना फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है तो आपकी सांस लेने में समस्या आएगी ही नहीं। और आपको सुबह सुबह उठ के कपालभाति का व्यायाम करना होगा, उसके बाद में मैं आपको दो ड्रिंक बता रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करनी होगी, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कहीं से भी आपके घर में ही तुलसी के पत्ते होंगे, तुलसी के पत्ते को लेकर लगभग 10 या 12 पत्ते लेकर उसे कूटना है बराबर, और उसके बाद में आपको उसमें हनी ऐड करना है। हनी ऐड करना है दोस्तों, पतंजलि का रहेगा, मैं किसी भी तरह के प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप पतंजलि का हनी लीजिए, बहुत बेस्ट में बेस्ट रहेगा। उसे आप मिक्स करके उसका गाढ़ा सा मतलब पेस्ट बन जाएगा दोस्तों, उसे आपको उंगली से ही आपको उसको 7 दिन तक उसको खाना होगा। और उसके बाद में जो चने का पानी होता है दोस्तों, चने खाने का मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखना चने का जो पानी होता है आपको उस पानी को दोस्तों पीना होगा सुबह खाली पेट। दोस्तों अगर आपने इस तरह की जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसे फॉलो कर लिया तो 100% दोस्तों आपको 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों सांस फूलने की समस्या से निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसका बेनिफिट अपने आप मिलना और दिखना आपको शुरुआत हो जाएगा। और दोस्तों पता ये है ना, आपके सांस लेने में तकलीफ कहाँ से आती है, जब आप अपनी अपने जो लाइफस्टाइल होती है उस पर आप ध्यान नहीं देते, जैसे कि कुछ भी खा लेते हो, ब्रीदिंग लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए दोस्तों आपको इस तरह की समस्या हो जाती है, जैसे कि
थोड़ा ही चलने पे आपकी सांस फूल जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूल जाती है, कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी काम करने से आपकी सांस फूल जाती है, तो ये आपके हृदय में धड़कन तेज़ी से बढ़ने के कारण ही होता है दोस्तों। और आप 100% दोस्तों इस तरह के जो मैंने आपको बताया है उपाय, ये आप करिए, 7 दिनों तक आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है आयुर्वेदा में, इसका जाके मैंने इसका ढूंढा है दोस्तों, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो दोस्तों कमेंट में आके डिसलाइक प्रेस करना और कमेंट में आके अपनी राय जरूर देना। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप इस भाई के चैनल पर नए होना तो दोस्तों चैनल को जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करना, जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना, ताकि और भी वीडियो में आपको इसी तरह से लाता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों आपको सांस लेने की समस्या आती है तो उसके ऊपर भी मैं आपको व्यायाम या एक्सरसाइज भी बता सकता हूँ। अगर आप उसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में करके बताना कि हाँ भाई मुझे भी पार्ट 2 चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू।